हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सभी से अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा DIY प्रोजेक्ट शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाने में थोड़ा हमें टाइम लग गया। अब ऐसे तो इस प्रोजेक्ट को 1 वीक में हम कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन क्या है कि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें भी देखना होता है, तो एक ही प्रोजेक्ट में कंटिन्यू काम करते रहना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो भी DIY से रिलेटेड सामान चाहिए था उसे ला करके रख चुके हैं। एंड साथ ही साथ चलिए दिखाते हैं कि ये है मेरे बेटे का रूम, जिसको हमने लाइट ब्लू शेड से पेंट करवाया है। कुछ टाइम पहले ना यहाँ पर हमने येलो शेड से पेंट किया था, जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। पेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी, क्योंकि इस रूम में कई जगह पर सीलन एक तो आ गई थी, और दूसरा छोटा वाला बेटा पेंसिल से, स्केच से, क्रेयॉन से वॉल को पेंट कर दिया था। मतलब स्केचिंग इतनी ज़्यादा कर दिया था जो देखने में गंदा लग रहा था, जिसकी वजह से हमें पेंट कराना पड़ा। फिलहाल ये इस रूम में सिर्फ पेंट ही करवाया है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। जो भी चीज़ें थी उनको उसी जगह पे हमने प्लेस कर दिया है। इस रूम का मेकओवर बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम आप लोगों से अपने ड्राइंग रूम का मेकओवर शेयर करेंगे, और फिर डाइनिंग एरिया का करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने बेटे के रूम में आएंगे। अब पेंटिंग वाला जो काम था उसे हमने इसलिए करवाया क्योंकि दिवाली आने में बहुत ही कम टाइम है, तो जितने भी पेंटर हैं ना वो सभी बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ना ये पीक सीजन होता है। इस रीज़न से करवाया ताकि इसका मेकओवर ना डिले ना होने पाए। और पता है, घर के इन्हीं छोटे मोटे काम की वजह से इस बार वीडियो को पोस्ट करने में भी थोड़ा डिले हो गया। और ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पेंटिंग के बाद घर कितनी बुरी तरीके से गंदा हो जाता है, मतलब पूरा घर उजड़ जाता है, और सारी जगह को क्लीन करने में कितनी मेहनत लगती है और कितना ज़्यादा टाइम चला जाता है। फाइनली रूम का तो पेंट हो चुका है, एंड चलिए आप शेयर करते हैं DIY। तो उसके लिए ना हमें सबसे पहले चाहिए एक बड़ा सा प्लाईवुड। तो देखिए, ये जो प्लाईवुड है ना, हमने इसे खरीदा नहीं है, हमारे बेड के ऊपर वाला जो पोर्शन था ना हेडबोर्ड का, वो ही निकल करके रखा था बाहर साइड। अब ये बात आप सभी को पता है कि हमारे घर में जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, जो भी वेस्ट कबाड़ वाली चीज़ें होती हैं ना, उन्हीं चीज़ों में हम दिमाग लगाते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं, ताकि आप लोग भी उस कबाड़ को फेंकने से पहले हमारे चैनल की वीडियोज़ को देखें और कुछ नया क्रिएट करके अपने घर पर रखें। तो देखिए, जब से ये प्लाईवुड निकल करके रखा था ना, तब से हमारे जहन में चल रहा था कि हम इसका कहाँ पर यूज़ करें, और बस अचानक से फिर हमारे जहन की जो घंटी बजी, तो भाई ऐसी बजी, मतलब कंप्लीट होने के बाद जब देखेंगे ना तो आप खुद सोचेंगे कि इसका इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर ना हम होल करवा रहे हैं, बेसिकली ये हमारे ड्राॅइंग रूम का पोर्शन है जहाँ पर लोग डिवाइडर बनवाते हैं, तो यहाँ पर हम कर्टन डाल कर रखते थे। अब हमें चाहिए इसके लिए फास्टनर, तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसको हम कट करके निकलवा रहे हैं। इसको हम हार्डवेयर शॉप से 150 रुपये में लेके आए थे 2 पीस, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर फिक्स करवा लिया है। और देखिए, फास्टनर लगने के बाद अब हम चाहें तो इस पे झूला डालें या फिर खुद इस पे लटक करके झूलें, ये गिरने वाला नहीं है। तो इतना काम करवाने के लिए हमने हेल्प ली, बाकी का काम करने वाले हैं खुद। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, इस प्लाईवुड का साइज़ है 6.5 फिट, और इसको हमने डाइनिंग टेबल पे इसलिए रखा है ताकि हम इजली तरीके से DIY कर सकें। अब हम इस पे लगाने जा रहे हैं बिडिंग, जिसको हम लेके आए थे हार्डवेयर शॉप से 8 पीस। तो यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमको बिडिंग लगानी है वहाँ वहाँ तक साइज़ ले रहे हैं, ताकि हम इजली तरीके से उसको कट कर सकें। और पहले तो हम इस प्लाईवुड के चारों साइड बिडिंग लगाएंगे, उसके बाद अंदर एक फ्रेम बनाएंगे, और फिर फ्रेम के अंदर ब्लॉक बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर नाप ले ली है, और अब हम करेंगे कटिंग का काम। बिडिंग का जो साइज़ है 7 फीट है, और ये हमें मिला है 4 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये आपको हार्डवेयर शॉप में हर एक साइज़ में मिल जाएगी, चाहे आपको 1/2 इंच में लेना हो, 1 इंच में लेना हो, 2 इंच में लेना हो। एक्चुअली प्लाईवुड की चौड़ाई का जो साइज़ है ना वो है 2 फीट, तो उसको देखते हुए ना 1 इंच की बिडिंग का साइज़ लिया, ताकि मतलब जगह कवर ना होने पाए, और इस तरीके से सभी को कट कर लिया। अब हम इन सारी बिडिंग को लगाएंगे इस प्लाईवुड पे, तो अच्छी तरह से इसकी सरफेस को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद फेविकॉल की हेल्प से चिपकाएंगे। ऐसे तो हम आयरन नेल की भी हेल्प से इस पे लगा सकते थे, वो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता, फेविकॉल से लगाने में काफ़ी टाइम लग गया। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर इस पे कील लगा करके इसको होल्ड करते ना तो बीच बीच से बिडिंग टूट सकती थी। तो हमें 100 ग्राम ही फेविकॉल चाहिए था, लेकिन दुकानदार ने बोला आधा किलो का ही डब्बा आता है,
सो 160 रुपए का ये हमें पड़ा, और अगर कील लगाने चलते तो 20 रुपए में पूरी बिडिंग कवर हो जाती। लेकिन कहीं कहीं ना पैसों का मुंह नहीं देखना चाहिए, मतलब रिस्क उठाने से अच्छा है पैसे ज़्यादा खर्चा कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से एक एक बिडिंग लगाते गए और साथ ही साथ मास्किंग टेप को भी चिपकाते गए ताकि प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए। और पता है दोस्तों, चारों तरफ तो बिडिंग लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान था, लेकिन अंदर साइड जब हमें फ्रेम क्रिएट करना था ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि हमें परफेक्ट साइज चाहिए था और ज़रा सा भी इधर का उधर होता ना तो पूरा DIY खराब हो जाता। तो बाहर वाला जो बॉर्डर था और अंदर वाले बॉर्डर को देखते हुए जो साइज हमें लेना था ना, वो 5.5 इंच का था। तो चारों तरफ बिडिंग लगाने से पहले हमें साइज लेना पड़ रहा था ताकि परफेक्ट तरीके से ये फ्रेम क्रिएट हो सके। और इस तरह से देखिए, क्रिएट करने के बाद फिर हमें एक बीच में बिडिंग को लगाना था इस तरीके से, और लगाने के बाद ना दोनों का जो साइज आ रहा था वो 6.5 इंच का आ रहा था। फिर हमें अंदर ब्लॉक क्रिएट करना था। अब ऊपर से लेकर के नीचे का जो साइज था वो मैंने लिया, उसके बाद फिर हमें देखना था कि कितने ब्लॉक इसमें निकल रहे हैं। तो बीच में ये जो बिडिंग मैंने लगाया था ना, उसका जो साइज 6.5 इंच आ रहा था, उसी 6.5 इंच का साइज हमें ब्लॉक में निकालना था। तो इस तरीके से पूरे में ये देखिए ब्लॉक को हमने बनाया, जिसमें एक साइड 9 ब्लॉक बना और दूसरे साइड 9 ब्लॉक बना, टोटल 18 ब्लॉक हमें मिल गया। और सारी बिडिंग जब अच्छी तरह से फिक्स हो गई ना, तो मास्किंग टेप को निकाल दिया। अब हम इसकी रफ सरफेस को स्मूथ करने के लिए सैंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लाईवुड है ना, इसका रीयूज कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे होल हैं, कुछ कुछ स्ट्रिप्स वुडन की निकली हुई है, तो उन सभी को हम यहाँ पर इवन कर रहे हैं। अच्छी तरह से सैंडिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर डस्ट कर रहे हैं। पुट्टी बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं चॉक पाउडर, इसमें थोड़ा सा डाला है फेविकॉल और थोड़ा सा पानी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को लगाएंगे पूरे में, मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा सरफेस रफ है और जहाँ जहाँ होल है, उन सभी को फिल करने के लिए इस पुट्टी का हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छी तरह से जब ये ड्राई हो गया, तब इस पर अगेन किया सैंडिंग। वैसे चाहते तो हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते थे बिना बेस लगाए हुए, लेकिन क्या है कि जब तक काम में परफेक्शन नहीं आता है ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो पूरा पुट्टी कवर करने के बाद अच्छी तरह से डस्ट किया। अब हम यहाँ पर ना वाइट पेंट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी वुड का DIY करते हैं, चाहे आप टेबल का करें, चाहे आप प्लाईवुड का करें, चाहे आप कुछ भी वुड से रिलेटेड DIY प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसके बेस को रेडी करना होता है, तभी उसका लुक निकल के आता है। देखिए, जब हम बिडिंग लगा रहे थे ना, उसी वक्त इसके एजेस को भी कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन भूल गए। कोई नहीं, अब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अलग से एक वुडन की स्ट्रिप्स ले लिए थे इसको कवर करने के लिए, जो कि है 1.5 इंच की, और इसको हम लगा रहे हैं आयरन नेल की हेल्प से। चलिए, चारों तरफ वुडन स्ट्रिप से इसको कवर कर दिया है। अब इसको भी यहाँ पर वाइट से पेंट कर लेंगे। तो पेंट ड्राई होने के बाद जितनी भी बिडिंग मैंने लगाई है ना, उसको हम गोल्डन शेड से पेंट करेंगे। ये गोल्डन एनामेल पेंट है, जो कि 100 ग्राम का हमें मिला है 180 रुपीस में। अब देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो कलर कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं उसे आपको भी यूज करना जरूरी है, ये आपकी चॉइस है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप चूज कर सकते हैं। वैसे जिस तरीके से हम यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, ऐसा करेंगे ना तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा ये DIY। पूरे में गोल्डन शेड से पेंट कर दिया है। जब तक ये ड्राई हो रहा है, यहाँ पर हमने लिया है मिरर स्क्रैप, इसको हम लेकर आए हैं शॉप से। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होता है कि जब भी हम मिरर का कोई DIY करते हैं ना, तो पूछते हैं लोग कि ये मिरर आप कहाँ से लेके आए हैं। ऑब्वियसली इतने सारे स्क्रैप तो हमारे घर पे मिलेंगे नहीं, इसको हम शॉप से ही लेके आएंगे। तो जब भी आपको कोई DIY करना है, नॉर्मल आप जाइए किसी भी शॉप पे और बोल दीजिए कि हमें स्क्रैप दे दें, तो वो आपको उठा करके दे देंगे, कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी पीसेस मैंने बना ली है। अब इन पीसेस को ना ग्लू की हेल्प से इस पे स्टिक कर रहे हैं। और पता है दोस्तों, ये जो स्टिक करने वाला काम था ना, इतना ज़्यादा इसमें पेशेंस चाहिए था
कि जब आप इस DIY को बनाना शुरू करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में कितना ज़्यादा ये पेशेंस वाला काम था। लेकिन सच बताएं दोस्तों, जिस काम में पेशेंस होता है ना, वही काम अच्छा निकल के आता है। ये है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। हमने जिस काम में भी पेशेंस रखा है ना, उसका फल हमें बहुत अच्छा मिला है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। और वैसे भी जिस काम में शौक होता है ना, उसमें पेशेंस अपने आप आ जाता है। देखिए दोस्तों, काम कोई भी ख़राब नहीं होता है, बशर्ते कि वो काम आपके मनपसंद का होना चाहिए। मेरे साथ क्या है ना दोस्तों, कोई भी काम हम जब करने चलते हैं ना, तो उसी वक्त हम कंप्लीट करते हैं, और हमारा टारगेट होता है कि जब तक हम उसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है। और पता है दोस्तों, ये जो मिरर लगाने वाला काम था ना, झुक करके लगाने से मेरे गर्दन में इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी थी, लेकिन क्या है कि मैंने सोच के रखा था कि आज की डेट में ही इसे करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बस शौक है और जुनून है। उस काम को जब तक हम कंप्लीट नहीं कर लेते ना, तब तक छोड़ते नहीं हैं। तो चारों तरफ मिरर को लगाने के बाद बचे कुचे ये मिरर रह गए थे जो यूज़लेस हो चुके थे, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये लगने के बाद खूबसूरत लग रहा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई, जितने स्क्रैप मैंने तोड़े थे ना, वो सारे इसमें यूज़ हो गए, ना कम पड़े और ना ज़्यादा। वैसे तो हम इसको फिल करने वाले नहीं थे, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसको फिल करके देखते हैं वॉल पुट्टी से कैसा दिखता है, लेकिन ट्रस्ट मी करने के बाद ना उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया। तो नीचे साइड जस्ट थोड़ा सा मैंने किया, और फिर चारों तरफ एज इट इज़ छोड़ दिया, जो ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा था। अब ये जो ब्लॉक मैंने बनाए हैं ना, इस पर हम लगा रहे हैं एक्रेलिक स्टिकर, जिसको मैंने ऑनलाइन बाई किया है अमेज़ोन से। आई थिंक 230 रुपीज़ में 28 पीस ये हमें मिला है। तो इसको लगाने से पहले ना हम मार्क कर रहे हैं ब्लॉक के अंदर। इस तरह से देखिए ड्रॉ कर लिया है एक्रेलिक स्टिकर का साइज। अब हम इसको ना इजली तरीके से इस पे स्टिक कर सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। इसकी जगह हम मिरर को भी स्टिक कर सकते थे, लेकिन वो हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसलिए हमने एक्रेलिक स्टिकर का यूज किया। चलिए स्टिकर्स लगाने के बाद अब हम इन सारे ब्लॉक को करने वाले हैं मल्टी कलर से पेंट। तो यहाँ पर हम एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रहे हैं, जो भी कलर हमारे पास पड़े हुए थे उन सारे कलर का यूज़ किया, लाइक ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, और जो कलर शेड हमारे पास नहीं था उसको मैंने खुद क्रिएट करके इसमें पेंट किया। तो पूरे में कलर करने के बाद जब सारे कलर अच्छी तरह से ड्राई हो गए, तब हमने इस पर वार्निश अप्लाई किया, ताकि ये वाटरप्रूफ हो जाए और इससे लुक भी थोड़ा इन्हेंस हो जाए, क्योंकि सिर्फ पेंट करने से ये डल भी ज़्यादा लग रहा था, तो इसके करने से ना एक अलग से इसमें फिनिशिंग आ गई। वार्निश अप्लाई करने के बाद फिर इसे छोड़ दिया पूरे 24 घंटे के लिए। जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया ना, तब एक्रेलिक स्टिकर पे से मैंने निकाला पॉलीथीन। सो फाइनली हमारा ये DIY प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। एंड चलिए अब बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे सोचे, कैसे मेरे मन में आया, कहाँ से इंस्पायर हुए। जब हम जैसलमेर गए थे ना, जैसलमेर में एक पटुआ हवेली थी, वहाँ की हवेली के अंदर जब हमने टूर किया था, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी विंडोज़ और डोर को जब मैंने देखा ना, तो उसमें मल्टी कलर्स के ग्लास लगे हुए थे वुडन प्लाई के साथ। तो कुछ उसी तरीके से हमने इसमें झलक डाली है, बाकी चीज़ें खुद से क्रिएट की है। अब आप लोगों को कैसा लग रहा हमारा ये राजस्थानी दरवाज़ा? आप चाहें तो इसे राजस्थानी दरवाज़ा बोलें, या फिर मोज़ेक वॉल आर्ट बोलें, या फिर मोज़ेक वॉल डेकोर बोलें। वैसे आप लोग इसका क्या नाम देने वाले हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसको हम कहाँ पर डेकोर करने वाले हैं, जब ड्राॅइंग रूम का मेकओवर वीडियो शेयर करेंगे ना, तब आप सभी को पता चल जाएगा। चलिए अब आप में से कोई भी अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द आप सभी लोगों से अपने न्यू मेकओवर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, बाय।